हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआरआई एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, तो आपका कोड 55 का एग्ज़ाम है दिसंबर 5 में। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड का क्वेश्चन पेपर हमारा चल रहा था, उसका फर्स्ट पार्ट आपके लिए आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 लाया गया था। तो इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक जाएगा, तो इस पार्ट में भी आपको 25 क्वेश्चंस मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो क्वेश्चंस आज का है वो शुरू करने से पहले, मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। पहला, तो आप अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको IR इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम लेवल MCQs का पेड PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे करीब 1200 क्वेश्चंस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो ये आपको एग्जाम के लिए प्री प्रिपरेशन जो एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का NLC इंडिया का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको, इसका आंसर भी दूंगा, और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ देने को चाहिए आपको, वो सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर मॉडलिंग इज ए पॉपुलर ट्रेनिंग टेक्निक बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इन व्हिच फेज ऑफ दिस ट्रेनिंग ट्रेनीज आर शोन ए वीडियो क्लिप ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर व्हिच इज ब्रोकन डाउन इनटू सीरीज ऑफ डिस्क्रीट लर्निंग पॉइंट्स। तो बिहेवियर मॉडलिंग एक पॉपुलर ट्रेनिंग टेक्निक है जो कि सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस है। तो इस ट्रेनिंग का जो फेज है, कौन सा फेज में यहाँ पे ट्रेनीज को एक वीडियो क्लिप दिया जाता है, ठीक है, जो डिजायर्ड बिहेवियर है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो क्लिप दिया जाता है, और उसके हिसाब से जो भी लर्निंग पॉइंट्स है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन है इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडलिंग फेज। मॉडलिंग फेज में एक वीडियो क्लिप दिया जाता है रिगार्डिंग द डिजायर्ड बिहेवियर, एंड अकॉर्डिंगली द डिस्क्रीट लर्निंग पॉइंट्स आर ब्रोकन इनटू ए फ्यू सीरीजेस। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। डैश आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग्स। तो राइट और रॉन्ग्स, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को क्या हम बोलेंगे? एथिक्स। ओके, तो वैल्यूज किसको बोलते हैं? वैल्यूज डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज द कलेक्टिव कंसेप्शंस ऑफ व्हाट इज कंसिडर्ड गुड, डिजायरेबल एंड प्रॉपर और बैड, अनडिजायरेबल एंड इम्प्रॉपर इन ए कल्चर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है वहाँ पे क्या यहाँ पे अच्छा है या फिर डिजायरेबल है या फिर प्रॉपर है, और उसका ऑपोजिट क्या है, बैड या फिर अनडिजायरेबल या फिर इम्प्रॉपर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वैल्यूज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ डिसिप्लिन व्हेन ए यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड देयर शुड बी नो चेंज इन इट्स पोजिशन फॉर ए पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे कोड ऑफ डिसिप्लिन में यूनियन का, ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब एक यूनियन रिकॉग्नाइज किया जाता है तो यहाँ पे इसका पोजिशन कितने दिनों तक या फिर कितने टाइम तक यहाँ पे चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल तक यहाँ पे कोई भी चेंजेस होता नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द टू फैक्टर थ्योरी अदरवाइज नोन एज ए मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय। तो टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पे कौन प्रपोज किए थे? तो टू फैक्टर थ्योरी आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स हैं, एक है आपका मोटिवेशनल फैक्टर्स और दूसरा आपका है हाइजीन फैक्टर्स। तो यहाँ पे टू फैक्टर थ्योरी आपका दिए थे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। तो ये दो फैक्टर में क्या क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर्स में आपका आएगा अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इट्सेल्फ इज ऑल्सो ए मेजर मोटिवेशनल फैक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ एंड सैलरी अप टू सम एक्सटेंट। ओके, सैलरी इज नॉट ए मेजर मोटिवेशनल फैक्टर, सैलरी इज ए मेजर हाइजीन फैक्टर। ओके, बट इट इज ए मिनिमल या फिर ए मिनिमम मोटिवेशन फैक्टर। देन हाइजीन फैक्टर्स आर कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशंस, सिक्योरिटी, स्टेटस एंड मेजरली सैलरी। ओके, दीज आर द मोटिवेशनल एंड हाइजीन फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज बाय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। तो यहाँ पे डगलस मैकग्रेगर कौन सा थ्योरी दिए थे? थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी जेड भी एक है, उसको दिए थे रॉबर्ट आउची,
और आपका अब्राहम मास्लो दिए थे नीड हायरार्की थ्योरी। तो नीड हायरार्की थ्योरी जो अब्राहम मास्लो दिए थे, इनमें आपको मिलेगा 5 लेवल ऑफ नीड्स, ठीक है। 5 लेवल नीड्स में लोअर ऑर्डर नीड्स भी है, आपका हायर ऑर्डर नीड्स भी है। लोअर ऑर्डर नीड्स, पहला 2 ऑर्डर जो है आपका फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स, ये दोनों आपका है लोअर ऑर्डर नीड्स। और जो आखिरी 3 ऑर्डर है जो कि आपका सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये तीनों आपका है हायर ऑर्डर नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल ये जो नीड्स है, पहला तो आपका नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है, पहला नीड अगर फुलफिल हो गया तो ह्यूमन दूसरा नीड के ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पे कौन सा नीड में क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, फिजियोलॉजिकल नीड में आपको मिलेगा हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, सेक्स एंड अदर जो भी बॉडीली नीड्स आपको चाहिए वो सब आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स सिक्योरिटी, मीन्स जॉब सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म और फिर एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी एनिमल्स इन द वर्क प्लेस, ये सब आपका आएगा सिक्योरिटी सेफ्टी नीड्स के अंडर, ठीक है। तो सोशल नीड्स में आपको क्या आएगा, सोशल नीड्स में आपका आएगा अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, लव, फ्रेंडशिप, ये सब आपका आएगा सोशल नीड्स में। और एस्टीम में आपका आएगा जो भी आपका इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑटोनोमी एंड अचीवमेंट, साथ ही साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि आपका स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, अटेंशन, ये सब आपको आएगा एस्टीम नीड्स या फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आपको क्या आएगा, मेनली ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। तो फाइनली ये आपका हायर ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर नीड है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये आपका अब्राहम मास्लो के जो नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर आपका आएगा, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर्ट्जबर्ग का थ्योरी, मास्लो का थ्योरी, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंसेंटिव पे इन विच पेमेंट्स आर ए परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स एंड डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज बेस सैलरी इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे इंसेंटिव पे में जैसे कि आपका पेमेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज के रूप में दिया जाता है, और एम्प्लॉय का बेस सैलरी में यहाँ पे जो इंसेंटिव को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसको कौन सा प्लान हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इसको हम बोलेंगे। तो नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द पेनल्टी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 फॉर द ऑफेंस ऑफ क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये सेक्शन आपका है सेक्शन 25R1, ठीक है, ये आपका है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। यहाँ पे पेनल्टी पूछा गया है फॉर ऑफेंस ऑफ क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना ही आप अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर क्लोजर कर रहे हैं, अगर आप उसको बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेनल्टी कितना यहाँ पे होगा, पेनल्टी यहाँ पे होगा इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, आपको मैक्सिमम 6 महीने का जेल हो सकता है, या फिर 5,000 रुपये का आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर दोनों भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 32, ग्रीवांस इज ए कंप्लेंट ऑफ वन और मोर वर्कर विथ रेस्पेक्ट टू वेजेस एंड अलाउंसेस, कंडीशंस ऑफ वर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्विस कंडीशंस कवरिंग सच एरियाज एज ओवर टाइम, लीव, ट्रांसफर, प्रमोशन, सीनियरिटी, जॉब असाइनमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। दिस डेफिनेशन ऑफ ग्रीवांस वाज गिवन बाय, तो ये जो ग्रीवांस का डेफिनेशन है, ये वाला डेफिनेशन कौन दिए थे, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये वाला डेफिनेशन दिए थे। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये आजकल एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा डेफिनेशन कौन दिए थे। तो यहाँ पे एक्सटर्नल लेबर मार्केट का डेफिनेशन यहाँ पे पूछा गया है। एक्सटर्नल लेबर मार्केट इज डिफाइंड एज एम्प्लॉयज और अदर एम्प्लॉयज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका करेक्ट आंसर है। और फुल डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। एक्सटर्नल लेबर मार्केट इट इज द सिस्टम बाय व्हिच ए कंपनी लुक्स आउटसाइड इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे खुद के ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बाहर कंपनी दिखता है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉयज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन आपका आंसर है। टू फाइंड ए सुइटेबल पर्सन फॉर ए सीनियर जॉब इंस्टेड ऑफ गिविंग द जॉब टू समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर द कंपनी एट ए लोअर लेवल। तो यहाँ पे कंपनी बाहर का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जोर यहाँ पे देता है, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अगर सुइटेबल पर्सन है उनको कुछ इंसेंटिव या फिर उनको कुछ लालच दिखा के ये अपनी कंपनी के एम्प्लॉई होने के लिए कुछ लालच दिखाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्कीम भी इसके रिगार्डिंग ला सकते हैं, जैसे कि हायर सैलरी उस हिसाब से अगर लाता है तो, या फिर कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा फ्रिंज बेनिफिट्स अगर
उनको देता है, तो वो कोई कंपनी छोड़ के आपके कंपनी में आ सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लेबर मार्केट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है प्लांड एलिमिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, रिड्यूस रिडंडेंसीज एंड एनहांसिंग द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांड एलिमिनेशन हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल। यहाँ पे गोल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, जो एम्प्लॉय रिडंडेंसीज होता है, एम्प्लॉय जो छोड़ के चले जाते हैं उसको, या फिर एम्प्लॉय को जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसको कम करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज बा एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस को मार्केट प्लेस में, तो उसको हम बोलेंगे डाउन साइजिंग। ठीक है, कुछ एम्प्लॉय को यहाँ पे बाहर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखने के लिए, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बरकरार रखने के लिए, जो एम्प्लॉय यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे बाकी जो तीनों हैं, री इंजीनियरिंग या फिर राइट साइजिंग या फिर रिस्ट्रक्चरिंग, इसका मतलब क्या है हम देख लेते हैं। री इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइज एनालाइजेस एंड रीडिजाइन्स एन ऑर्गेनाइजेशन कोर बिजनेस प्रोसेसेस विद द एम ऑफ अचीविंग इंप्रूवमेंट्स इन क्रिटिकल परफॉर्मेंस मेजर्स सच एज कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। तो यहाँ पे री इंजीनियरिंग क्या करता है, यहाँ पे ये एनालाइज करता है या फिर जो रीडिजाइनिंग प्रोसेस, इसको री इंजीनियरिंग करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कोर बिजनेस प्रोसेस है इसको ये रीडिजाइन करता है। इसका एम क्या है, क्रिटिकल परफॉर्मेंस मेजर जैसे कि कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड में इंप्रूवमेंट लाना है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलेंगे री इंजीनियरिंग। और राइट साइजिंग क्या है, राइट साइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ए मोर इफेक्टिव साइज। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय बन गए हैं, इतना काम नहीं है, तो कुछ एम्प्लॉय को यहाँ पे बाहर निकाला जा सकता है। अगर कम एम्प्लॉय हैं तो कुछ एम्प्लॉय को कुछ रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाला जा सकता है, कुछ रिक्रूटमेंट के थ्रू कुछ एम्प्लॉय को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, स्पेशली बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इट। तो यहाँ पे बेसिकली रिडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है यहाँ पे राइट साइजिंग में। ठीक है, एनहांसिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, तो स्पेशली इसलिए लिखा है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फॉर इट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका राइट साइजिंग। तो डाउन साइजिंग क्या है, डाउन साइजिंग भी वही है पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस आपको दिखना मिलेगा। डाउन साइजिंग गिव्स ए चांस टू द कंपनी फॉर स्केलिंग इट्स ऑपरेशंस डाउन टू ए मोर रियलिस्टिक एंड मैनेजेबल साइज। तो डाउन साइजिंग में फोकस किया जाता है ज़्यादा एम्प्लॉय को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन को थोड़ा कम किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग इज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस एज ए वे ऑफ लिमिटिंग फाइनेंशियल हार्म एंड इंप्रूविंग द बिजनेस। तो आपका जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है उसको लिमिट करने के लिए, अभी उसको कम करने के लिए जो भी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंजेस करना पड़ता है उसको हम बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन गिविन द टास्क ऑफ अप्रेजल ए सुपरवाइजर रोट डिस्क्रिप्शन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑफ द फाइव सबॉर्डिनेट्स अंडर एचआरएम अंडर हिम। ओके, व्हाट परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड डिड द सुपरवाइजर या फिर द सुपीरियर यूज। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सुपरवाइजर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन के रूप में जो अपना पांच सबॉर्डिनेट्स हैं उनको, उनका परफॉर्मेंस को असेस कर रहा है, कुछ डिस्क्राइब उसको कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, उनको परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब एसए मेथड, वो ज़्यादा कुछ लिख रहा है उनके बारे में। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एसए मेथड। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है पीपल हु अप्लाई फॉर ए वैकेंसी विदाउट प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई प्रॉम्प्टिंग के बिना, कोई रेफरेंसेस के बिना अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एप्लीकेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्ट्रैटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइंस हाउ एंड वेयर ए प्रोडक्ट और सर्विस इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, द लेवल ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप विथ सप्लायर्स। तो ये सारा आपका इंक्लूड किया जाता है ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑपरेशन स्ट्रैटेजी। इसके अंदर आपका कब और कहाँ यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस टू बी मैन्युफैक्चर, कहाँ पे यहाँ पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है या फिर सर्विस को मैन्युफैक्चर करना है, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को कहाँ पे कितने लेवल तक यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए, और फिजिकल रिसोर्सेज, रिलेशनशिप विद सप्लायर, ये सारा आपका ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर आपका आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, व्हाट हैव बीन द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर जॉब। तो ये टाइप का क्वेश्चन अगर कोई पूछता है तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है,
तो ये आपका है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन हम किसको बोलेंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विथ ए सिंपल येस और नो एंड इंस्टेड रिक्वायर द रेस्पोंडेंट टू एलाबोरेट ऑन देयर पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर कोई बोलेंगे कि आपका जो जॉब है उसमें मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा चैलेंज आपको जॉब के जॉब का कौन सा एस्पेक्ट आपको सबसे ज्यादा चैलेंज देता है, तो इसको येस और नो में तो जवाब आप नहीं दे सकते, उसको कुछ डिस्क्राइब आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, ये सर नो में इसका आंसर नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन ठीक इसका ऑपोजिट है, अगर आप ये सर नो में आंसर कर रहे हैं या फिर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसके जिसके हिसाब से आपको एक एक ऑप्शन को चूज करना है, तो उसको आपको आप बोलेंगे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपका एक है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आपको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आपका और एक है आपका हाइपोथेटिकल और सिचुएशनल क्वेश्चन। क्या है? आपको कोई चैलेंजेस या फिर कोई सिचुएशन को असेस करने के लिए आपका थॉट प्रोसेस को मेजर करने के लिए जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो आपका है हाइपोथेटिकल और सिचुएशनल क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, एडवर्टाइजिंग एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज एम्प्लॉय रिफरल्स ऑन कैंपस कॉलेज, ये सब आपका कौन से सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है? ये सब आपका एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आपका कौन है? प्रमोशंस, ट्रांसफर, जॉब पोस्टिंग या फिर प्रीवियस एप्लीकेंट्स, ये सब आपका है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 ये क्या पूछ रहा है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग डाटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज इज, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर मेजर किया जाता है या फिर चेक किया जाता है। तो चेकिंग यहाँ पे या फिर आइडेंटिफाइंग होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का डाटा और कम्युनिकेट किया जाता है हायर अथॉरिटी के पास, तो इसको हम बोलेंगे ऑडिटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग फोकस करता है कॉस्ट के ऊपर, कितना कॉस्ट हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, ये सब आपका अकाउंटिंग फोकस करता है। और इसको चेक करता है कौन? ऑडिट चेक करता है या फिर आइडेंटिफाई करता है या फिर मेजरिंग मेजर करता है या फिर फाइनली कम्युनिकेट करता है हायर अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, ये सब ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। ए वर्कमैन हु इज अपॉइंटेड इन द पोस्ट ऑफ परमानेंट वर्कमैन और प्रोबेशनर हु इज टेम्पररीली एब्सेंट, तो यहाँ पे कोई अगर वर्कमैन को अपॉइंट किया जाता है परमानेंट वर्कमैन या फिर प्रोबेशनर के जगह पे जो कि टेम्पररीली एब्सेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे आंसर दिया गया है, यहाँ पे बदली का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा गया है, BADLI, ओके, इसको हम बोलेंगे बदली। तो बदली को यहाँ पे दिया जाता है बदली कार्ड, ठीक है। और अप्रेंटिस क्या है? अप्रेंटिस इज ए लर्नर हु इज पेड एन अलाउंस ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पे अप्रेंटिस एक लर्नर है जो जिसको कि एक अलाउंस दिया जाता है इसको ट्रेनिंग के पीरियड के अंदर। इज प्रोवाइडेड विथ एन अप्रेंटिस कार्ड, बदली को दिया जाता है बदली कार्ड, अप्रेंटिस को दिया जाता है अप्रेंटिस कार्ड, यहाँ पे टेम्पररी वर्कमैन को दिया जाता है टेम्पररी टिकट और कैजुअल वर्कमैन को दिया जाता है कैजुअल कार्ड। और टेम्पररी वर्कमैन कौन होता है? इज एम्प्लॉयड इन ए वर्क ऑफ टेम्पररी नेचर, जो कि जो काम यहाँ पे टेम्पररी नेचर में हो रहा है उसमें जो एम्प्लॉय किया जाते हैं उसको हम बोलेंगे टेम्पररी वर्कमैन, और जो काम यहाँ पे कैजुअल नेचर में हो रहा है उसको जो कर रहा है उसको हम बोलेंगे कैजुअल वर्कमैन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपर्टाइज एंड रिड्यूसेस वर्कलोड बट इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड किया जाता है और वर्कलोड भी रिड्यूस किया जाता है, पर यह सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो ये आपका जो कंसल्टेंट सर्विस जो कंसल्टेंट एजेंसीज होते हैं उनके अंडर आप अगर कोई रिक्रूटमेंट के प्रोसेस कैरी आउट करते हो तो आपके ऊपर वर्कलोड भी कमेगा और आपको एक्सपर्टाइज भी वो प्रोवाइड करेंगे, पर यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है ए प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे परसेप्शन। और एटीट्यूड एथिक्स वैल्यूज क्या होता है? एटीट्यूड ए परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट्स पर्संस और इवेंट्स, तो पहले तो आपका आता है परसेप्शन, उसके बाद आपका आता है एटीट्यूड। परसेप्शन के हिसाब से आपका एटीट्यूड चेंज होता है और एटीट्यूड के हिसाब से आपका पर्सनैलिटी भी चेंज होता है, ठीक है। तो एटीट्यूड आपका एक परसिस्टेंट टेंडेंसी है कोई भी पर्टिकुलर वे में आपको फील कराने के लिए या फिर बिहेव कराने के लिए टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन और इवेंट्स। तो नेक्स्ट आपका एथिक्स क्या है?
एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न ए पर्सन्स बिहेवियर और द कंडीशनिंग और द कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे एथिक्स को हम बोलेंगे मोरल प्रिंसिपल्स, जैसे कि आपको अगर मोरली कोई चीज़ अगर आपको ठीक लगे, ठीक है, तो उसको हम आप करेंगे, अगर आपको नहीं ठीक लगे उसको आप नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे एथिक्स, जो कि आपका एक्टिविटी को कंडक्ट करता है, ये आपका मोरल सेंस में बनता है। तो नेक्स्ट आपका है वैल्यू। वैल्यू आर द बेसिक कन्विक्शंस। वैल्यू मीन्स कुछ रूल्स अगर आप सेट किए हो, मतलब अगर आपके हिसाब से ये चीज़ आपके हिसाब से राइट है या फिर ये चीज़ आपके हिसाब से गलत है, तो गुड और बैड या फिर राइट और रॉन्ग के जो आप डिफरेंशिएट करते हो कोई भी चीज़ को, तो उसको हम बोलेंगे वैल्यूज। आपका वैल्यूज ही डिटरमाइन करता है आपका एथिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। डैश इज ए टेस्ट व्हिच मेजर ए पर्सन्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। तो यहाँ पे पर्सन के पास कितना नॉलेज है और स्किल्स भी कितना है, इसको कौन सा टेस्ट यहाँ पे मेजर करता है, अचीवमेंट टेस्ट इसको मेजर करता है। तो कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट एक दिया गया है, उसका मीनिंग क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट असेसेस द एबिलिटीज इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग। कॉग्निटिव आया मतलब यहाँ पे थिंकिंग आ ही जाएगा, थिंकिंग आएगा मतलब रीजनिंग, परसेप्शन, मेमोरी, वर्बल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब यहाँ पे आएगा कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट के अंदर। सर्च टेस्ट पोज क्वेश्चंस डिजाइन्ड टू एस्टिमेट एप्लीकेंट्स पोटेंशियल टू यूज मेंटल प्रोसेसेस। तो कॉग्निटिव यहाँ पे आएगा तो मेंटल वर्ड यूज ही होगा, मेंटल प्रोसेसेस यहाँ पे यूज ही होगा, ठीक है। टू सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स और टू अक्वायर न्यू जॉब नॉलेज। तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो एग्जाम्स सब होता है, यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, इसी हिसाब से आपको एप्टीट्यूड दिया जाता है या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो आपका कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है। आप अपने माइंड में आपका माइंड कितना पावरफुल है, उस तरीके से अगर आपका माइंड ज़्यादा पावरफुल है तो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन अगर होगा उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो उस हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाके आगे कोई भी उस हिसाब से अगर कुछ सिचुएशन आपको आता है, जैसे कि आपका यहाँ पे मेंटल प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा होगा और आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, तो उसको हम बोलेंगे कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है ए रेटिंग एरर वेयर ए रेटर जजेस मोर फेवरेबली दोज हु अपीयर टू बी सिमिलर टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सिमिलैरिटी एरर या फिर सिमिलर टू मी एरर, ठीक है। अगर खुद के हिसाब से ये रेट करता है, जो मतलब खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अगर कोई एम्प्लॉई का कैरेक्टरिस्टिक्स वही बन गया तो उसको वो ज़्यादा रेटिंग देगा, तो ऐसे तो रेटिंग नहीं करना चाहिए, तो वो एरर एक है, उसको हम बोलेंगे सिमिलर टू मी एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। तो सिंपल डेफिनेशन इसका है, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम्स दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड परफॉर्मेंस। तो इसको हम बोलेंगे एचआरएम, बाकी तीनों तो हो नहीं सकता क्योंकि ये डिवाइड करके दे दिया गया है तीनों पॉइंट, तो यहाँ पे सबको मिला के दिया है, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए जॉब वैकेंसी ऑन कंपनी बुलेटिन बोर्ड्स। तो यहाँ पे कंपनी बुलेटिन बोर्ड्स में जो जॉब वैकेंसी होता है उसका अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉई इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे जॉब पोस्टिंग। ये आपका एक इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन हायरिंग दैट इज रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर। यहाँ पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर का लास्ट स्टेप, यहाँ पे जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर दिया जाता है तो उसको इंडक्ट किया जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंडक्शन यहाँ पे लास्ट प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 49, एम्पावरिंग वर्कर्स बाय एडिंग मोर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू जॉब्स इज डिफाइंड एज। तो जॉब में यहाँ पे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऐड किया जाता है तो वर्कर थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे जॉब एनरिचमेंट, ओके। तो जॉब एनरिचमेंट को बोलते हैं अदरवाइज वर्टिकल जॉब लोडिंग, यहाँ पे आपको ज़्यादा आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड किया जाता है। और जॉब एनलार्जमेंट आपका है होराइजोंटल जॉब। तो जॉब एनलार्जमेंट क्या है, ठीक तरीके से आपको बोल देता हूँ, जॉब एनलार्जमेंट इज एडिंग एडिशनल एक्टिविटीज विद इन द सेम लेवल टू एन एग्जिस्टिंग रोल। आपको सेम लेवल में यहाँ पे एडिशनल एक्टिविटीज ऐड किया जाता है उसी ही लेवल में, ठीक है। तो इसी को इसलिए हम बोलते हैं होराइजोंटल, होराइजोंटल मतलब सेम लेवल में पैरेलल। पर जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है, ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर आपके ऊपर आ जाता है, तो ये वर्टिकल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपका जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब एनलार्जमेंट क्या है, दिस मीन्स दैट ए पर्सन विल डू मोर डिफरेंट एक्टिविटीज इन देयर करेंट जॉब। तो वही जॉब में ये ज़्यादा काम करेगा,
ठीक है, ज्यादा काम यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो ये आपका जॉब रीडिजाइनिंग का एक पार्ट है, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन एंड जॉब सिंप्लीफिकेशन, ये चारों आपका है जॉब रीडिजाइनिंग का एक पार्ट। ठीक है, कुछ पार्ट ये चारों। तो लास्ट क्वेश्चन, आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इन एप्लीकेशन बैंक द आइटम फील्ड बाय द एप्लीकेंट व्हिच इज यूज्ड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड इज, तो यहाँ पे पूछा गया है अगर आप कोई एप्लीकेशन फिलअप किए हो तो उसमें जो डिटेल्स आप भरे हो उसका ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए जो चीज़ आप डालते हो उसको क्या बोलेंगे हम। प्रिफरेंसेस अगर आपका कोई है तो उसको आप डालते हो। सोच लो अगर आप इसी NLCIL के एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप किए हो, ठीक है, तो अगर आपका कोई रिलेटिव्स या फिर अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे एम्प्लॉयड है और उसका नाम यहाँ पे आप डाल दिए हो और रिलेशन भी डाल दिए हो, ठीक है, रिलेशन और साथ ही साथ नाम, जो भी डिटेल्स आप फिलअप किए हो तो उसको वहाँ से रेफरेंस के रूप में लिया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि ये आपके रिलेटिव्स हैं या फिर ये आपका जानने वाला है, तो ये जो डिटेल्स डाले हैं ये ठीक है या फिर भूल है या फिर गलत है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेफरेंसेस। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, जल्द ही अगला सेशन आएगा और ये क्वेश्चन पेपर मैं कंप्लीट करूंगा आपके सामने, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।